नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उससे जो कि अब हवा में घुल चुका है। हम बात कर रहे हैं उस जहर की जो कि दिल्ली की हवाओं में अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने अब कड़ा संज्ञान ले लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण सचिवों को आज तलब किया है। चारों राज्यों के पर्यावरण सचिव फसल जलाने और प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी एनजीटी को देंगे। तो वहीं इससे पहले कल दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की समस्या पर लगाम लगाने को लेकर दिल्ली में एक बैठक हुई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते स्मॉग को थामने के लिए दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह और हरियाणा से मंत्री विपुल गोयल शामिल हुए। बैठक में समस्या को थामने पर मंथन हुआ, लेकिन बैठक के बाद स्मॉग की रोकथाम पर सियासत भारी पड़ती नजर आई। हरियाणा और पंजाब को दोष देने वाले केजरीवाल को दोनों राज्यों के मंत्रियों ने आड़े हाथों ले लिया। बकायदा आंकड़े देकर केजरीवाल के आरोपों को झूठा साबित किया गया। तोता सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल नशे के बाद स्मॉग के बहाने पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर साहब वो झूठ मार रहा है, वो पंजाब में कुछ कहता है, दिल्ली में आकर और बात करता है। पंजाब में केवल 9.95.10 था और हरियाणा में 132 था और दिल्ली में हैरान होंगे 380। और उसके अगले दिन जो इसका शहर का बिचाला है उसके 602, दिल्ली में 602 और हमारा 95, हमारा तो 95 पैदा होता है वहाँ। पंजाब हरियाणा को तो बदनाम कर रहा है, जैसे पहले कह दिया कि पंजाब में 78 फुट निशाई हैं, हमारे तो 1% भी निशाई नहीं। प्रत्यारोप की बात नहीं होनी चाहिए, एक सीरियस मैटर है ना। पंजाब जहाँ पर ये खेती कुरुक्षेत्र, करनाल और क्या पानीपत इस एरिया में जो हो रही थी, कैथल एरिया में है, उसका तो ना तो विंड चल रही है ना यहाँ पर पोल्यूशन, और इनफैक्ट उन डिस्ट्रिक्ट्स का जो पोल्यूशन है वो भी उसकी मात्रा भी बहुत कम है। इसलिए पराली का कोई इफेक्ट दिल्ली के अंदर नहीं है, यहाँ का लोकल जो ट्रैफिक का इफेक्ट है और जो क्रैकल्स का और जो नॉर्म्स पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस वजह से ये इफेक्ट हुआ है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने सभी राज्यों से ब्लेम गेम छोड़कर स्मॉग से निपटने पर ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया कि स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए सीजनल नहीं बल्कि साल भर सावधान रहने की जरूरत है। देवन से हमने कहा ब्लेम गेम को के अंदर अगर जाएंगे तो समस्या का निदान नहीं होगा। अभी दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों के सामने सांस लेने की समस्या है, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। सड़क पे पड़ा हुआ पेशेंट अस्पताल चाहता है, किसने टक्कर मारी ये नहीं चाहता है, वो बाद में सोचेंगे। इसलिए दिल्ली को उससे निजात दिलाने के लिए हमने सभी से कहा है कि इससे ब्लेम गेम से बाहर आइए और अपना अपना काम करना शुरू करिए। दिल्ली के अंदर हमको 365 दिन प्रतिदिन इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है और इसके अंदर हम सीजनल नहीं हो सकते। 365 दिन हमको काम करना पड़ेगा। जनवरी के अंदर राज्यों को महीने के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, जैसा हमने दिसंबर 2015 में एडवाइजरी जारी की थी 42 पॉइंट्स की, वैसा हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैलेंडर जारी करें। सभी जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा बड़ी वजह यहाँ का ट्रैफिक है, जिस पर केजरीवाल सरकार को सोचने की जरूरत है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और इसके अलावा राजधानी में बढ़ रहे स्मॉग की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोग हिमाचल प्रदेश सरीखे पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। और वहीं इसके बाद हिमाचल के पहाड़ी शहरों शिमला और धर्मशाला में सैलानियों की तादाद बढ़ गई है। साथ ही दूसरे शहरों और विदेशों के लोगों ने भी दिल्ली के ट्रिप को रद्द कर हिमाचल का रास्ता पकड़ लिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने देश की राजधानी में छुट्टियां बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण होने की खबरें सुनने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश का रुख करने की योजना बनाई।
यहाँ पे इसलिए आएंगे कि दिल्ली में स्मॉग है, पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आएंगे ताकि एक थोड़ा चेंज मिल जाए, ताकि वो एक हफ्ता जो स्मॉग रहेगा वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम घर पहुँच जाए, ठीक है। और क्लाइमेट यहाँ पे ऐसा अच्छा है कि हम आए तो 3 दिन के लिए थे, बट हम सोच रहे हैं एक नाइट और एक्स्ट्रा स्टे करें। मैं पहले बच्चों के साथ दिल्ली में स्टे करना चाहती थी, बट ड्यू टू पॉल्यूशन मैंने प्रोग्राम थोड़ा अपना स्किट करके यहाँ माउंटेन्स में ज़्यादा स्टे करने का प्लान कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और मेरे बच्चे वैकेशन में आए तो उनकी हेल्थ के हिसाब से मैंने बोला कि नहीं ये बेटर है, तो मैं हिमाचल साइड में ज़्यादा स्टे करने आया। मैंने ऐसा रास्ता कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली में फॉग चल रहा है इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग ज़्यादा करके यहाँ ही पहाड़ों पर ही लोग बस मतलब आ रहे हैं। हम लोगों ने प्लान किया था कि इस बार दिल्ली दर्शन के लिए जाएंगे क्योंकि मौसम भी अच्छा है, और लेकिन वहाँ जब पता लगा कि पॉल्यूशन बढ़ गया है तो हमने सोचा कि हम फिर हिल्स पे चलते हैं, तो धर्मशाला पास पे था, सो दैट्स व्हाई वी आर इन धर्मशाला। पहले दिल्ली दर्शन में हम लोगों ने लोटस टेम्पल और आगरा तक जाने का प्लान था, लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन हम लोग फिर यहाँ पहुँच गए धर्मशाला। वी आर प्लान्स टू गो टू दिल्ली बट वी वोंट बी एबल टू स्टे देयर फॉर मेनी डेज बिकॉज ऑफ द इश्यूज ओवर देयर, एंड ऑब्वियसली वी वुड प्रेफर दिस प्लेस देन दिल्ली because it will cause many troubles for us also regarding our skin maybe or anything.